नमस्कार, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज बट पर। मैं हूं आपके साथ प्रिंसिपल श्रेष्ठ। सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद आए दिन किसी ना किसी बात को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। वहीं अब ऐसा लग रहा है कि उनकी मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अपने तरंगी फैशन सेंस को लेकर चर्चा में रहने वाली उर्फी जावेद के लिए उनके कपड़े ही उनकी परेशानी की वजह बन रहे हैं। उर्फी के खिलाफ एक वकील ने सामाजिक जगह और सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने के आरोप में शिकायत दर्ज की है। साथ ही कहा है कि वो अश्लील हरकतें भी करती हैं। उर्फी जावेद ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी साझा की है। उस स्टोरी में उन्होंने उस वकील को निशाने पर साधा है। उर्फी ने लिखा है, मुझे पता नहीं कि मेरे खिलाफ कितनी और FIR दर्ज की गई है। ये मेरे लिए काफी शॉकिंग है कि लोगों को मुझसे इतनी दिक्कत है। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे रेप और जान से मारने की धमकियां मिलती हैं। आपको मुझसे दिक्कत है, लेकिन रेप और मर्डर करने वालों से नहीं। इसके अलावा उर्फी जावेद ने अपनी अगली स्टोरी में अपनी एक वीडियो साझा की है, जिसमें वो रेस्टोरेंट में नजर आ रही हैं। ऑरेंज कलर की ड्रेस में उर्फी जावेद वॉक करती हुई दिखाई दे रही हैं और उन्होंने इसके साथ ही तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ गाना लगाया है। इसके साथ ही उर्फी ने लिखा, मैं एक रेस्टोरेंट की जगह में खड़ी हूँ, मैं अच्छी दिख रही हूँ। इस वीडियो को कोर्ट में बतौर सबूत पेश किया जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। दादी की उर्फी जावेद के खिलाफ शिकायत मुंबई के अंधेरी स्टेशन में दर्ज की गई है। अली खान द्वारा 9 दिसंबर को लिखित में ये शिकायत पुलिस को दी गई थी। तब 11 दिसंबर को पुलिस ने शिकायत को दर्ज किया था। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी दिल्ली के एक व्यक्ति ने उर्फी के खिलाफ अश्लीलता फैलाने के आरोप में शिकायत दर्ज की थी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें, जुड़े रहें न्यूज़ बट के साथ और डाउनलोड जरूर करें न्यूज़ बट ऐप।